एशियन फिल्म फेस्टिवल है ना, तो यहाँ तो नेचुरली देयर विल बी फिल्म्स फ्रॉम ऑल ऑफ एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया लाइक इंडिया, देन सेंट्रल एशिया, फिर उसके बाद अरब वर्ल्ड, नॉर्थ अफ्रीका, तो ये सारा टेरिटरी जो है हम लोगों को, यू नो, वी डोंट नो इनफ अबाउट दोज देयर फिल्म्स, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन टू द फिल्म्स ऑफ दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. And I think the festival that Osian is doing, and also the work that Aruna has been doing for the last several years, has been absolutely wonderful. For that very reason, because, you know, we must get acquainted with films of our neighbors. Even more important than seeing films from other continents. देखिए, lifetime achievement award कोई जल्दी लेट की बात नहीं होती है. When you have to get it, you have to get it, and she's got it now, and she deserves it because she's worked in cinema for a very long time. See, Neville Tuli's initiative has been an absolutely wonderful one, and also the work that he's been doing and to put together, and then he's taken this cinema liberty where many of these wonderful things are happening. Now you have this festival which will be going on for the rest of the week. I think these things did not happen in the past before he came. You know, he has helped to raise the bar, as it were, in terms of the kind of films that the city of Mumbai can see. He's doing his work both in Mumbai as well as in Delhi, and it's wonderful what he's doing. ये बहुत ही कमाल की पहल है तुली साहब की, कि उनका जो टारगेट है, कि जो अच्छा सवाल था कि क्या हम ये जो फिल्में बनाते हैं, क्या हम ये 125 अरब जो हमारी आबादी है उस तक पहुंचा सकते हैं, क्या ये जो पैशन है हम ये 365 दिन कैरी कर सकते हैं सिनेमा का, और कर सकते हैं तो कैसे, क्या क्या चीज़ें हैं. तो जो मुझे लगा बातें सुन सुन के, उसमें ये था कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो ऑफ बीट सिनेमा वाले हैं या जो कमर्शियल सिनेमा वाले हैं, उनके बीच में अगर फ्लेक्सिबिलिटी का तालमेल रहे, चाहे एज ए प्रोड्यूसर हो, अगर आप एक बड़ी फिल्म बनाते हो बड़े स्टार के साथ, दो फिल्में बनाते हो, तो एक छोटी फिल्म भी बना सकते हो जिसमें आप आर्टिस्ट ले सकते हो अच्छे खासे जो थिएटर के हैं, या अपने अपने काम में बहुत ही कमर्शियल से ज़्यादा जो डेप्थ को मानते हैं कंटेंट की या उसको समझते हैं, उनके साथ एक फिल्म बना सकते हैं. इसी तरह जैसे रेवती जी ने एक फिल्म बनाई थी, उसमें वो एड्स के ऊपर एक फिल्म थी, उसमें उन्होंने सलमान भाई को लिया था. तो एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि इतना बड़ा सुपरस्टार और उस फिल्म में एक जो है, तो उन्होंने कंटेंट के लिए वो रखा था ताकि पब्लिक और यूथ जो है वो ज़्यादा कनेक्ट करे उस अपने सुपरस्टार के साथ. तो ये वाली जो चीज़ रखी थी उन्होंने, तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात थी. तो उसी तरह जैसे आज हर तरह के लोग हैं, हर तरह की मानसिकताएं हैं, हर तरह के टेस्ट हैं, तो उन सब के ऊपर फिल्में बनाई जा सकती है. हर एरिया के ऊपर, हर लैंग्वेज के ऊपर, हर इंसान के ऊपर, आज हर इंसान एक कहानी है. तो हमारे पास कहानियों का अभाव नहीं है, बस उसे हमारे जो पुराने एम्फेसिस हैं कि हीरो हीरोइन, एक प्रोड्यूसर और एक डायरेक्टर, बस फिल्म बन गई, ठीक है, इस तरह के जो बने, एक कॉमेडियन हो गया, एक विलेन हो गया, ये 6 लोगों से ही कहानियाँ नहीं है, 20-25 लोगों के साथ भी कहानियाँ बनाई जा सकती हैं. तो पुराने जो एम्फेसिस और इनसिक्योरिटीज़ और जो ढर्रे हैं, अब हम पब्लिक जो है वो नई नई चीज़ें तलाश रही है, खोज रही है, तो उनके लिए और हमें वो एक्सप्रेस करके उन्हें देना चाहिए. तो वो बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि हम पहुँच सकते हैं 1 अरब लोगों तक, तो पहुँच सकते हैं.